गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, इट इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए जो होता है स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है, इसकी तीन फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं अलग अलग। पहली हमारे पास क्या है, इसकी एमआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है इसके अंदर आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये तीन फॉर्म्स है इसकी। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली क्या है, एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो होता है आपको पता है कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए जो होता है इंफॉर्मेशन सेंड करता है कहां पे, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और वो इंफॉर्मेशन जो लेके आता है, फॉर लेके आता है आरएनए लेके आता है, किसकी फॉर्म में, एक कोडेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, और एक मैसेज की फॉर्म में लेके आता है, एनएनए करता है, उसकी प्रोसेसिंग कराने के बाद प्रोटीन की फॉर्मेशन की जाती है, एंड वो फंक्शंस जो रिलेटेड होता है उन प्रोटीन से वो क्या होता है, परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए की बात करें, जो प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ट्रांसफर आरएनए करते हैं अमाइनो एसिड पूल जो होता है, वहां से क्या होता है अमाइनो एसिड्स लेकर आते हैं, और वो करते हैं पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करवाने में करते हैं, हेल्प करते हैं। आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, चूंकि करता है प्रोटीन हेल्प, प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें इस आरएनए की, ठीक है, तो इन आरएनए के अंदर क्या होता है हमारे पास, प्रोटीन जो होती है उसको सिंथेसाइज करने में करते हैं, हेल्प करते हैं ओवरऑल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट आरएनए, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए। अब एमआरएनए की अगर बात कर रहे थे स्टूडेंट्स हम, तो एमआरएनए जो होता है, जैसे हमने बात की अभी कि डीएनए जो होता है कोडेड इन्फॉर्मेशन जो होता है सेंड करता है कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो हेल्प करता है क्या करने में, प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में। तो किसकी फॉर्म में आता है, वो एमआरएनए के फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें स्टूडेंट्स, आपने एक टर्म सुनी होगी, डीएनए जो होता है वो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, या एमआरएनए की बात करें हम, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कि डीएनए जो होता है वो आरएनए जो बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कैसे ये टेक प्लेस करती है, अगर हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करें, तो जैसे क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास हमारे पास क्या है, कोडेड फॉर्मेशन है इसके अंदर, नाइट्रोजन बेसिस है इसके अंदर। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास क्या हो गया, ए सी टी जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस है इसके ऊपर। ठीक है, और इसके हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास स्ट्रैंड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है, दूसरा स्ट्रैंड होता है, तो इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, इसकी पेयरिंग होगी, बेस पेयरिंग आपको याद होगा, एडेनिन जो होता है वो क्या करता है, थायमिन, साइटोसिन जो होता है गुआनिन, थायमिन जो होता है एडेनिन, देन साइटोसिन, देन गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से क्या है, इसके ऊपर सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। अब हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें क्या करनी है, जो ये जिस टाइप की भी प्रोटीन जो सिंथेसाइज करनी है उसको हमें क्या करना है, उसकी कोडेड फॉर्म को यूज करना है, एंड देन क्या करना है, उसको साइटोप्लाज्म में सेंड करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इस डीएनए के अंदर हमारे पास जो होती है डेक्ट्रिस क्या होती है, जो स्टैंड है इसकी, एक दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड जो होता है वो क्या करता है, कॉपी करता है। ठीक है, और वो कॉपी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एचएनआरएनए कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड जो हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये स्टैंड कॉपी किया है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमें डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। तो बेस पेयरिंग कैसी होगी, आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, डीएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन से पेयरिंग करता है, और साइटोसिन जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ करता है। ये तो हमारे पास कहां हो गया, डीएनए के केस के अंदर। ठीक है,
लेकिन आरएनए बात करें तो आरएनए में थायमिन नहीं होता, तो वहां पे क्या आता है यूरेसिल, और साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन से करता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आरएनए केस। तो हमें क्या बनाना है, आरएनए ही बनाना है। तो आरएनए के अंदर क्या बनेगा हमारे पास, ए की जगह पर क्या आ जाएगा यू, ठीक है, सी की जगह पर क्या आ जाएगा जी, ए की जगह पर टी की जगह पर क्या आ जाएगा ए, फिर क्या आ जाएगा सी जी ए जी ए और जी आ गया। तो ये जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है अभी, ठीक है, ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट यहाँ पे, एच एन आर एन ए, ठीक है। अभी एच एन आर एन ए में क्या होता है, एच एन आर एन ए क्या होता है, हाइड्रोनिक्लिक आर एन ए का, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई अभी, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया इसको यहां से इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, एच एन आर एन ए आ गया। अब ये एच एन आर एन ए जो है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर तो ऊपर ले लेता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने यहां पर ले लिया भाई यू यू जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल एच एन आर एन ए आ गया, ठीक है। अब इस एच एन आर एन ए की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसको हम वैसे फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये एच एन आर एन ए जो आया है हमारे पास, इसके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके पास कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, दोनों टाइप के सीक्वेंसेस क्या होते हैं इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है इसके अंदर, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की, तो कोडिंग सीक्वेंसेस जो होती है हमारे पास, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कोडिंग सीक्वेंसेस, तो हमारे पास कोडिंग सीक्वेंसेस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखो दो टाइप के सीक्वेंस है, एक कोडिंग सीक्वेंस है, एक हमारे पास क्या है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमने जो डार्क कलर से यहाँ पे मैच कर दिया है, हमारे पास सीक्वेंसेस क्या है, ये हमारे पास क्या है कोडिंग सीक्वेंसेस है, और जो हमारे पास क्या है ब्लैंक वन है, ये हमारे पास क्या आ गई नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आ गई। अब कोडिंग सीक्वेंसेस जो होती हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, याद रखना, जो कोडिंग रीजन्स रहते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जॉन, ठीक है, और जो नॉन कोडिंग रहते हैं हमारे पास इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें अगली चीज चाहिए कोडिंग सीक्वेंसेस चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होती है, दोनों इनके अंदर दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट है, दैट इज एच एन आर एन ए के अंदर। तो यहां पर क्या होता है, फिनोमेनन अक्कर होता है यहाँ पे, स्टेप टेक्स प्लेस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होते हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है उनको हटा दिया जाता है, ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस जो होती है वो रखी जाती है। हमारे पास क्या आ गई, तो हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं, तो ये हमारे पास क्या थी इंट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या थी एग्जॉन्स, इंट्रॉन्स एग्जॉन्स इंट्रॉन्स एग्जॉन्स इंट्रॉन्स एग्जॉन्स इंट्रॉन्स एंड एग्जॉन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो कोडिंग रीजन है हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोडिंग सीक्वेंस कहलाती है, हमारे पास एग्जॉन्स कहलाती है, और नॉन कोडिंग कहलाती है इंट्रॉन्स कहलाती है। तो इंट्रॉन्स को यहां से रिमूव कर दिया, ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस जो है ये हमारे पास क्या होती है बच जाती है, ठीक है, और इनको आपस में क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करवा दूं इनको, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम डाल लेते हैं, मान लेते हैं कोडिंग रीजन है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई है, दैट मीन्स हमारे पास अब यहां से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस थे या हमारे पास इंट्रॉन्स थे उनको रिमूव कर दिया गया, और एग्जॉन एग्जॉन्स यहाँ पर कर दिए, ज्वाइन कर दिए गए, ठीक है। अब ये एग्जॉन एग्जॉन्स की अगर बात करें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलैरिटी इसकी भी 5 प्राइम है, ये हमारे पास क्या है 3 प्राइम है। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या होता है, इसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, अभी देखो ये स्ट्रैंड जो होता है स्टूडेंट एच आर ने जो बता रहे थे हम, ये अभी रेडी नहीं होता है कहां पे साइटोप्लाज्म जाने के लिए, ठीक है। तो इसके क्या होता है, इसके लिए इसके जरिए कुछ कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग कैसे की जाती है अगर मैं यहां पर आपको बात करूं, तो जैसे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है इसके अंदर कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इसके इस एंड पे ये हमारे पास क्या आ गया इसका 5 प्राइम एंड, ये हमारे पास क्या आ गया इसका 3 प्राइम एंड।
तो इसके 5' एंड पे क्या होता है, मिथाइलेटेड ग्वानिन जो होता है यहां पर क्या होता है, ऐड किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप। तो एक कैप के प्रोसेसिंग के अंदर एक स्टेप हमारे पास क्या हो गया, कैपिंग। ठीक है, कैपिंग के अंदर क्या होता है, 5' एंड के ऊपर मिथाइलेटेड ग्वानिन की कैप लगाई जाती है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर रीजन दूसरा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, टेलिंग। टेलिंग के अंदर क्या होता है, जो टेल एंड है इसका या 3' एंड है इसका, वहां पर क्या होते हैं, एडिनिन के बहुत सारे रेजिड्यूज जो होते हैं वहां पर क्या होते हैं, ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। तो ये टेल जो होती है ऐड की जाती है कहां पे, एट द 3' एंड के ऊपर, और इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। तो ठीक है, तुम्हारे पास क्या क्या स्टेप आ गए, पहले स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रीजंस सीक्वेंसेस को रिमूव किया जाता है, एक्सॉन एक्सॉन्स को ऐड किया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैपिंग होती है, 5' एंड के ऊपर मिथाइलेटेड कैप लगाई जाती है। ठीक है, और टेलिंग पे क्या होता है, टेल एंड पे पॉलीएडिनिन के क्या होते हैं, रेजिड्यूज क्या होते हैं, ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेसिंग की जाती है, दैट मींस इस एचएनआरएनए को अब क्या होता है, इस एमआरएनए के अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंड जो होता है अब क्या कहलाता है, ये एमआरएनए कहलाता है, और जो हमारे पास रेडी है फॉर एग्जाम्पल कहा जाने के लिए, साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब इस स्टैंड को अगर हम एक्चुअली में देखें, तो इस स्टैंड हमारे पास किस तरीके से इसको हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं इस रीजन के अंदर, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर क्या था, ये हमारे पास जो मैच्योर एमआरएनए है हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास तो क्या हो गया, हमारे पास कोडिंग रीजन हमारे पास यहां पर हो गया। तो इसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको मिल जाते हैं, इस एंड पर आपको मिल जाते हैं क्या, यहां पर मिल जाता है आपको स्टार्ट कोडो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल जाते हैं, टर्मिनेशन कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन। ठीक है, प्रोसेस को क्या होता है, टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, इसके बीच में ये जो रीजन है आपको यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये बीच में आपको क्या मिल जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन मिल जाते हैं। अब इसके दोनों एंड पर, इस एंड पर आपको क्या मिल जाती है, इस एंड पर आपको नॉन कोडिंग रीजन मिल जाते हैं दोनों एंड पर। ठीक है, क्या मिल जाते हैं, नॉन कोडिंग रीजन, और इस नॉन कोडिंग रीजन के साथ आपको क्या मिल जाती है, अभी हमने बात की थी, कैप मिल जाती है, बिकॉज ये कैप 5' एंड, और यहां पे क्या होती है, मिथाइलेटेड कैप मिल जाती है ग्वानिन। ठीक है, और दूसरे टेल रीजन पे अगर आप मैं बात करूं, तो यहां पे आपको क्या मिल जाती है, टेल मिल जाती है, दैट इज पॉली एडिनिन की टेल जो होती है। ठीक है, तो ये जो होती है वो कहलाती है, टेल कहलाती है। ठीक है, और ये रीजन जो है इसके बीच में जो हमने बनाए हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है। यहां पे और ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है एक्चुअली के अंदर अगर हम बात करें, तो हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड जो है कुछ इस तरीके से क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो इस एमआरएनए के अंदर अगर हम बात करें मैच्योर एमआरएनए के लिए, वो क्या क्या होता है, हमारे पास 5' एंड पे क्या होती है, कैप होती है, नॉन कोडिंग रीजन रहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं हमारे पास, इसके इस एंटीरियर एंड की तरफ हमारे पास क्या होते हैं, स्टार्टिंग कोडोन होते हैं, लाइक एयूजी होता है। ठीक है, और टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, जैसे यूएए, यूएजीए, यूएजी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस को, कितना हमें कोडिंग सीक्वेंसेस को क्या करना है, फॉलो करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, और फिर लास्ट में जाके करना है उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। फिर नॉन कोडिंग रीजन रहता है और टेलिंग रहती है, पर टेल के अंदर क्या होता है, पॉली एडिनिन के रेसिड्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एड किए जाते हैं। तो अब ये प्रोसेस एमआरएनए क्या होता है, रेडी होता है फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, मैच्योर एमआरएनए क्या होता है, फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि डीएनए जो है, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से हमारे पास क्या होता है, एक जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसको क्या होता है, उसको कॉपी किया जाता है, और कॉपी करने के बाद हमारे पास क्या आता है, वहां से निकल के एचएनआरएनए आ जाता है। और ये एचएनआरएनए जो आता है इसके अंदर क्या होती है, ये
नॉन फंक्शनल आरएनए होता है यहाँ पे, तो इसको क्या होता है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के अंदर आपको ये देखे थे हमने कि इसके अंदर क्या होती है, एक तो स्प्लाइसिंग की जाती है। स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, जो कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन है उसमें, नॉन कोडिंग रीजन दैट मीन्स इंट्रॉन्स जो होते हैं वहां से रिमूव किया जाता है और एक्सॉन जो बजाते हैं उनको ऐड किया जाता है, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैपिंग होती है, तो 5' एंड के ऊपर मेथाइलेटेड कैप लगाई जाती है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, 3' एंड के ऊपर एडिन के रेजिड्यूज ऐड किए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। और टेलिंग के बाद हमारे पास क्या होता है, जो हमारा मैच्योर आरएनए है वो हमें क्या होता है देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है आरएनए का, हमारे नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।